आज की जो मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ ये सुबह की, आज सुबह की घटना है। आज सुबह हमारे घर एक मूढ़ी बेचने आई थी, उम्र करीब 60 साल से ऊपर होगा उनका, साथ में एक नाती या पोता कोई था, साथ में एक छोटा बच्चा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मूढ़ी ले भी, और दो दिन पहले ही हमारे यहाँ मूढ़ी हम लोग ले चुके थे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं अभी दो दिन पहले ले लिया है। तो उन्होंने जो गुदगुदाया वहाँ से मैं बात को स्टार्ट करूँ, उन्होंने कहा कि बिकतो तभी ना हमने जो त्यौहार मनते, यानी यहाँ की भाषा में कुछ कहा कि अगर बिकेगा तभी तो त्यौहार हम लोग का भी बनेगा। यानी कि त्यौहार जो है वो सभी के लिए कैसा नहीं, त्यौहार जो है वो किसी के लिए किसके हैं टाइम का भोजन मुश्किल है, उसके लिए त्यौहार बड़ों के लिए खास का बहुत कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ने वाला है, दुख देने वाला है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी नहीं ले पाते। यही देखते हुए गांधीग्राम में जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था 2020 से, उसके बाद से हम लोगों ने उनके लिए त्यौहार के समय कपड़े भी देना शुरू किया। लेकिन पिछले बार जब हम लोग कपड़े बांट रहे थे तो कुछ बच्चे खुश नहीं थे, तो मैंने पूछा कि कपड़े क्यों नहीं खुश हो, क्योंकि हम लोग साइज में कपड़े ले आते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा पसंद का नहीं, हुआ लड़का ज़्यादा अच्छा। तो हम लोग लगा कि नहीं, बच्चों को सारा कुछ उनके पसंद का नहीं दे पा रहे हम लोग, इसलिए शायद उतने खुश नहीं। तो पिछली बार हम लोग निर्णय लिया था कि अगले साल से हम लोग यहाँ का जो स्वांग एरिया का सबसे अच्छा दुकान जहाँ से मेरे घर का भी कपड़ा जाता है, तो देखिए अभी यहीं से हम लोग बच्चों को लेंगे, बच्चे अपने पसंद से कपड़ा चुनेंगे और वो तो चुनेंगे, एक एक ही कपड़ा सबको देंगे, लेकिन एक कपड़ा जो एक सेट कपड़ा उनका पूरा होगा घूमने के लिए, वो कम से कम एक सेट कपड़ा अच्छा हो और उनके पसंद का हो। तो यहाँ देखिए अंदर बच्चे सब आए हुए हैं, थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर लीजिएगा, और यहाँ जया दीदी आई हुई है और जीबा, ये दोनों आए हुए बच्चों की मदद के लिए, कपड़े जो है बच्चे ले अपने पसंद का। और यहाँ से फिर देखिए सुशील जी कपड़े दिखा रहे बच्चों को, और हमको विश्वास है कि सबके पसंद का जरूर ये दिलवा देंगे, नाम उड़ी आप, क्योंकि इनके दुकान में हर किसी के पसंद कुछ ना कुछ रहता है। अभी करीब एक डेढ़ घंटे से बच्चे लोग कपड़े देख रहे हैं, लेकिन आधे ही का हुआ। किसका इसका हो गया बेटा? इतना लोग का हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों का नहीं हुआ है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद जेबा और जया को, ये लोग बहुत पेशेंस से बच्चों के साथ लगे हुए हैं, और राहुल को, राहुल भी साथ में लगे हुए हैं, ये लोग तीनों मिल के बच्चों का कपड़ा पसंद करवा रहे हैं। और डेढ़ घंटे से बच्चे कपड़े पसंद कर रहे हैं, देखते हैं कब तक पसंद कर पाएंगे ये लोग। और कुछ लेकिन चलिए अच्छा है, कुछ बच्चे लोग फाइनल कर, सभी बच्चों को अपना अपना पसंद का कपड़ा मिल गया है, सारे को कपड़े उठाओ ऊपर में, सारे को हैप्पी है अपने कपड़ों से, सभी को हैप्पी हो, थैंक यू सर, थैंक यू सर।